3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज। मॉडिफाइड लॉकडाउन में मिली छूट, व्यापारियों को नहीं आ रही रास। अजमेर शहर व्यापार महासंघ सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति का कर रहा है विरोध। मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 जून से प्रभावी होगा, जिसमें बाजारों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सशर्त खोलने की अनुमति मिलने जा रही है। वहीं अजमेर शहर व्यापार महासंघ से संबंधित व्यापारी वर्ग इस छूट का विरोध करते हुए सरकार से मांग कर रहा है कि व्यापारियों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के सहसचिव प्रवीणचंद जैन और राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समस्त बाजारों को एक ही समय सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इससे कोरोना का संक्रमण घटने की बजाय ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सभी प्रतिष्ठान और बाजार एक समय खोलेंगे तो बाजारों में भीड़ टूटेगी। ऐसे में सिर्फ उपभोक्ता वस्तु व डेयरी उत्पाद आदि को पूर्व की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति मिले और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अन्य बाजारों व प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके बाद शाम 6 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी यथावत जारी रखा जाए, उससे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पर पुनर्विचार कर व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। को लेकर किस तरह का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? राजस्थान सरकार की कल रात्रि में, मध्य रात्रि में जो गाइडलाइन आई, वो व्यापारी हित में नहीं है, कोरोना की गाइडलाइन के हित में भी नहीं है। सरकार से हमने मांग की थी कि कोरोना के बचाव के लिए आप इसको पार्ट टू पार्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सुबह 6 से 11 ग्रोसरी का और सब्जी फल फ्रूट जिसका मुख्य व्यापार होता है वो 80% तक क्लोज हो सकता है। 12 बजे से 5 बजे तक और व्यापारियों को व्यापार खोलने की अनुमति दी जाए, उसके बाद में रात को कर्फ्यू लागू करें, हमें कतई एतराज़ नहीं है। वीकेंड कर्फ्यू लागू रखें, हमें कतई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह की दुकानें, कपड़ा व्यापार या सर्राफा व्यापार, कोई 6 बजे से 11 बजे तक नहीं चलता है। हमारा व्यापारी 11 बजे 12 बजे बाद ग्रहणियाँ फ्री होती है, फिर मार्केट में परचेजिंग के लिए निकलती है। तो इससे कोई फ़ायदा व्यापारी को होने वाला नहीं है। सरकार वापस से पुनः विचार करें और अपने विचारों के मध्य से इस मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि इस टाइप की अनलॉक प्रक्रिया सक्सेस नहीं जाएगी। सक्सेस वो ही जाएगी जो व्यापारी चाहेंगे। व्यापारी कोरोना गाइडलाइंस की पालन करेंगे या नहीं? बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन की पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। और हमने व्यापार, अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने निर्णय लिया है, हम जब व्यापार खोलेंगे तो पूरे शहर में 10,000 मास्क वितरित करेंगे और हर समय समय पर सैनिटाइज करेंगे। हमारे स्टाफ को हमने सबने वैक्सीनेट करा लिया है और ऑलमोस्ट हम व्यापारी ना हमारी तरफ से हम लोगों ने सबने वैक्सीनेट कर दोनों इंजेक्शन का हमने उपयोग वैक्सीनेट का उपयोग कर लिया है। अनलॉक की प्रतिक्रिया गवर्नमेंट द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो दी गई है वो व्यापारी के हित में नहीं है। पहले व्यापारी के हित में हमारी गृहणियाँ, हमारी घर की जो लेडीज है वो 12 बजे पहले फ्री नहीं होती है, और इससे कोरोना और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस गाइडलाइन से कोरोना जब भी कम होगा, जब 12 बजे से 5 बजे तक का व्यापार को छूट दी जाएगी। क्या मानते हैं कि इस तरह की ऐसी गाइडलाइन से जो हमने जो बताई है वो गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से इसको चालू करनी चाहिए, जिससे व्यापार के हित में भी और राजस्थान सरकार के हित में भी अच्छी रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट राजेश्वर शर्मा ने शराब के नशे में मचाया उत्पात। आना सागर चौपाटी केजी स्टोन यूरोलॉजी हॉस्पिटल पर वकील के हंगामे को देखने जुटी तमाशबीनों की भीड़, पुलिस ने किया काबू। मंगलवार को वैशाली नगर आना सागर चौपाटी स्थित केजी स्टोन नामक यूरोलॉजी हॉस्पिटल के बाहर राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट
राजेश्वर शर्मा ने शराब के नशे में अश्लीलता की हदें पार करते हुए गाली गलौज की और जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल में महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी करते हुए घुसने का प्रयास किया और अस्पताल के स्टाफ को मारने पीटने की भी कोशिश की। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि पिछले 1.5 घंटे से वकील राजेश्वर शर्मा अस्पताल के सामने हंगामा मचा रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा और गाली गलौज कर रहे वकील राजेश्वर शर्मा को काबू में किया और अपने साथ जीप में बिठाकर थाने ले गई। इस तमाशे को देखने के लिए अस्पताल के सामने लॉकडाउन लगा होने के बावजूद तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि वकील ने जेब से शराब की बोतल भी निकालकर फोड़ी है। वकील ने हंगामा और उपद्रव क्यों किया, इसकी जानकारी किसी को नहीं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हॉस्पिटल है, यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल है, जो कि आना सागर चौपाटी पर है। यहाँ पे अभी हमारे काफी तादाद में पेशेंट भी एडमिट हैं। उन लोगों को भी ये जो आज जो हुआ है हॉस्पिटल के बाहर, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है हमें। पिछले 1 आवर से हम लोग इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं, सब क्या कह के थक गए। मगर ये बंदा जो वकील है, नाम मुझे नहीं पता है, ये काफी देर से यहाँ पे खड़े होके गाली गलौज कर रहे हैं। हमारे काफी पेशेंट एडमिट अंदर हैं, उन्हें भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। वो भी हमें कह रहे हैं, हमने गार्ड ने भी कोशिश करी, फिर उन्होंने अंदर गार्ड को धक्का देके अंदर आने की कोशिश करी कि नहीं, मैं तो इन लोगों को बताऊंगा ये कौन है। मतलब गालियां जो है वो मैं नहीं बोल के बता सकती हूँ, मगर इन्होंने अंदर आने की कोशिश करी। तो अभी भी आप दे सकते हैं, वो बहुत गंदी गंदी गालियां बोल रहे हैं। क्या वजह थी हॉस्पिटल के अंदर आने की? मारूंगा, मतलब सबको गाली गलौज करूंगा, यहाँ पे माहौल खराब करूंगा। हम लोग तो आज किस तरीके से यहाँ पे साइलेंटली काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई वो नहीं, मगर ऐसे लोग आके जो कि वकील है हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना सर। दारू की बोतल लेकर भी बाहर, दारू की बोतल भी बाहर है, जेब में से निकाल के फेंकी है और हम लोगों को गाली कराए। बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है पुलिस को बुला लो। मैं पुलिस को नहीं, मैं नहीं डरता हूँ। पुलिस मौके पर बुलाना पड़ा, लेके आए हमारे स्टाफ वाले, पुलिस को बाइक पे बिठा के लेके आए। पुलिस आई है, काफी देर तक खड़ी रही है, मगर किसी तरह का कोई उन पे एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में सीन कुमकुम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आना सागर एस्केप चैनल का ठीक ढंग से नहीं हो रहा कार्य। वार्ड नंबर 68 और वार्ड नंबर 57 के पार्षदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ठेकेदार फर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आना सागर एस्केप चैनल की मरम्मत और सफाई का कार्य ठेकेदार फर्म को लगभग 18 करोड़ रुपए के ठेके पर दिया गया है, लेकिन ठेकेदार फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं कराए जाने पर पूर्व में सीओ को भी ज्ञापन सौंपा गया और आज फिर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार फर्म की शिकायत की गई। वार्ड नंबर 68 की पार्षद अनीता चौरसिया और वार्ड नंबर 57 के पार्षद रणजीत सिंह ने कलेक्टर से ठेकेदार फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। रणजीत ने बताया कि 18 करोड़ रुपये की लागत से महादेव के ढाबे से ब्रह्मपुरी होते हुए तोपदड़ा से 9 नंबर पेट्रोल पंप तक मरम्मत व सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार ने महादेव के ढाबे व ब्रह्मपुरी को छोड़कर कार्य तोपदड़ा से शुरू कर दिया, जो कि गलत है और निविदा की शर्तों के खिलाफ है। ऐसे में बारिश के दिनों में ब्रह्मपुरी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, इसलिए कलेक्टर फर्म को सही तरह से कार्य करने के लिए पाबंद करे और ब्रह्मपुरी व महादेव के ढाबे से ही नाले के कार्य को शुरू करवा जाए, अन्यथा बरसात के मौसम में पूरा ब्रह्मपुरी क्षेत्र डूब जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के आना सागर से जो ओवरफ्लो पानी होता है, उसकी निकासी के लिए हमारे यहाँ एक एस्केप चैनल बना हुआ है, जिसमें ओवरफ्लो होने के बाद में उस एस्केप चैनल में पानी जाता है। एस्केप चैनल में पानी होता हुआ
महादेव के ढाबा, ब्रह्मपुरी होता हुआ, तोपदड़ा होता हुआ, 9 नंबर पेट्रोल पंप से होता हुआ खानपुरा की ओर उसके आगे जाता है। अभी वर्तमान में स्मार्ट सिटी ने लगभग 18 करोड़ रुपए का इसका टेंडर किया है, उसमें कार्य भी चालू है, मगर ठेकेदार एवं अधिकारियों की इतनी घोर लापरवाही है। अगर वर्तमान में जिस प्रकार ये कार्य चल रहा है, अगर उसी प्रकार चलता रहा तो ये हमारा जो अजमेर है वो जलमग्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इस ठेकेदार ने कार्य चालू किया है वो उल्टी ओर से चालू किया, कहीं बीच बीच में से चालू किया, जबकि अपने महादेव के ढाबे से इस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए था, उसके बाद इसका ढलान लेते हुए जाना चाहिए था। उसमें हमारे इस एस्केप चैनल के अंदर दोनों ओर से नाले गिरते हैं, वो नालों को इन्होंने नीचे की ओर कर दिया और वर्तमान में जो एस्केप चैनल नाला है उसको ऊपर कर दिया। इसके आसपास के अंदर जितने भी नाले इसमें गिर रहे हैं वो सारे नीचे रह जाएंगे, तो आसपास की बस्तियां जलमग्न हो जाएगी, उससे बड़ी परेशानी का सामना है। मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 57 से रणजीत सिंह, मैंने हमारे यहाँ के CEO को इसके बारे में लिखित शिकायत दी है, उसकी घोर लापरवाही के लिए मैंने पूर्व में इनको अवगत करा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन ठेकेदार को और अधिकारियों को कुछ भी सूझ नहीं गई है। अब हम पीड़ित होकर माननीय कलेक्टर महोदय को इसकी शिकायत करने आए हैं कि साहब इसको या तो रुकवाएं या प्रॉपर तरीके से इसका काम हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जितना पैसा आया वो सही तरीके से लग जाए, क्योंकि नगर निगम के पास इतना पैसा नहीं है कि इतना पैसा इसमें लगा सके। तो मेरा इनसे यही निवेदन है कि इसको वर्तमान में रोका जाए, इस ठेकेदार का पैसा रोका जाए ताकि इसको सही सुचारू रूप से कार्य हो सके। तो मेरा माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देके इसको आम जनता को इसकी ओर निजात दिला सके। अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन ने ठेकेदार के खिलाफ DSO को सौंपा ज्ञापन। खाद्य वितरण निगम के ठेकेदार पर कम गेहूं सप्लाई का लगाया था आरोप, ठेकेदार ने राशन डीलर्स को धमकाया। अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी के नेतृत्व में राशन डीलर्स ने मंगलवार को फिर से जिला रसद अधिकारी से मिलकर खाद्य वितरण निगम के ठेकेदार, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि अजमेर जिले में लगभग 1100 राशन की दुकानें हैं जिन पर खाद्य वितरण निगम द्वारा बिना तोल के गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। हर गेहूं की बोरी में लगभग 50 किलो गेहूं कम निकल रहा है। रसद विभाग भौतिक सत्यापन करता है तो आरोप राशन डीलर पर लगता है, जबकि गलती खाद्य वितरण निगम और ठेकेदार की है। गेहूं के साथ पूर्व में तोल कांटे की पर्चियां भी दी जाती थी जो अब नहीं दी जा रही। कोरोना की आड़ में अधिकारी मिलकर चांदी कूट रहे हैं, प्रताड़ित राशन डीलर हो रहा है। जब इस तरह की शिकायत राशन डीलर्स ने संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और रसद अधिकारी से की तो ठेकेदार को मिर्ची लग गई। राशन डीलर्स द्वारा जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और जिला रसद अधिकारी को उसके खिलाफ की गई शिकायत की जानकारी जब राशन डीलर को मिली तो उसने राशन डीलर्स को धमकाना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद मंगलवार को एक बार फिर से सभी राशन डीलर्स एकत्रित हुए और DSO कार्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। सैनी का आरोप है कि संबंधित ठेकेदार अधिकारियों और सरकार से ऊंची मिली भगत करके बैठा हुआ है, इसलिए राशन डीलर्स की कोई बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे में अब राशन डीलर्स के पास आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 28 तारीख को भी इनको ज्ञापन दे दिया, मीडिया से अवगत करा दिया, पेपर से अवगत करा दिया, हर चीज़ से अवगत कराने के बाद भी वो ठेकेदार हमारे से इतना बदतमीजी से पैसा आ रहा है, गाली गलौज बखरा है, उसके हमारे पास साक्ष्य गवाह है। उसके बाद भी आज फिर हम वापस आए तो हमारे ग्रामीण DSO साहब ने हमारा सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। तो हम इस पब्लिक के वजह से हम उस हर चीज़ सहन कर रहे हैं, कारण कि पब्लिक को हमारी तरफ से गेहूँ मिल जाए, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हम राशन डीलर बदनामी उठावें। कई गाड़ी में 100 किलो, किसी में 50 किलो, किसी में 150 किलो, इस तरह से कम आ रहा है, बिना तोले दे रहा है, जबकि राज्य सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसने ठेका लिया है उसमें सब शर्तें लिखी हुई है कि दुकान पे जैसे डीलर चाहेगा, जैसे आपको संतुष्ट करके देना पड़ेगा, तोल के देना पड़ेगा, जैसे भी है जैसे आपको दुकान पे छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से ठेकेदार कहता तुम्हारे लाइसेंस ख़त्म करा देंगे, तो हम तो पहले ये चाहते हैं कि हमारे पहले लाइसेंस ख़त्म कराए,
और जो भी हमारे पदाधिकारी है उनको हम अवगत करा देंगे कि ऐसे कौन सा कानून है जो 20 साल से 30 साल से दुकानें चल रही है, वहाँ भी पहले गेहूँ पहुँच रहा था और अब ये नया जब से ठेकेदार आया इसने अपने अधर्मी से हमारे को परेशान किया जा रहा पूरे सिटी के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर राशन डीलर इस ठेकेदार से परेशान हो गया। जब फ़ोन करते हैं तो बदतमीजी से पेश आता है, गाली गलौज बकता है, प्रशासन हमारा देखे तो सुनता नहीं है। अब आगे हम क्या आत्महत्या करने पर ऊपर हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी आगे इस राशन की दुकान के चक्कर में। महेश जी है उसका नाम, ठेकेदार का, जिसके पास ट्रांसपोर्टर है दो तीन जिले उसके पास दे रखे। प्रत्येक जिले से उसकी हर शिकायत यही आ रही है। नागौर में भी इसने यही तेल का मचा रखा, अजमेर में भी यही तेल का मचा रहा है, झुंझुनू में ये तेल का मचा रखा है। या तो ये सरकार उस ठेकेदार से मिली हुई है या ये अधिकारी उनसे मिले हुए जो एक राशन डीलरों की नहीं सुन रहे। अब हम जावें तो जावें कहाँ, या तो हमारे को फांसी दे दी जाए ताकि ये दुकानें खत्म हो जाएगी तो ये दुकान चलाएगा कौन। शहर के कई भामाशाहों ने नगर निगम महापौर को सौंपी रसद सामग्री। निगम के फ्रंटलाइन वॉरियर्स, अस्थायी सफाई कर्मचारी व जरूरतमंद परिवारों को बांटी जाएगी राशन सामग्री। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, वहीं गरीब और जरूरतमंद परिवार आर्थिक तंगी झेलते हुए रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। ऐसे लोगों और नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी परिवारों के लिए अजमेर शहर के विभिन्न भामाशाहों ने अपनी ओर से पहल करते हुए रसद सामग्री महापौर बृजलता हाड़ा को सौंपी है, जिसमें भामाशाह महेश गुप्ता द्वारा 1600 किलो चावल, जीतू रंगवानी द्वारा मसालों के पैकेट और हरीश गिद्वानी द्वारा 800 किलो दाल के पैकेट दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व विवेकानंद केंद्र के युवाओं की टीम ने 8000 किलो आटा भी नगर निगम को इसी पुनीत कार्य के लिए भेंट किया था। महापौर बृजलता हाड़ा ने बताया कि उनके द्वारा उनकी देखरेख में ही जरूरतमंदों को लगातार राहत रसद सामग्री वितरित की जा रही है। उन्होंने भामाशाहों से अपील की है कि आगे बढ़कर शहर के उन जरूरतमंदों की मदद करें जो लॉकडाउन में रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। निगम महापौर बृजलता हाड़ा ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जरूरतमंद जो लोग रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर गली मोहल्लों में जाकर सफाई कार्य कर रहे हैं उन्हें भी यह रसद सामग्री वितरित की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज विभिन्न भामाशाहों द्वारा ये खाद्य सामग्री दी गई है नगर निगम को, तो ये जरूरतमंदों को बांटी जाएगी। जो हमारे कच्चे जो नगर निगम में कर्मचारी हैं उन लोगों को ये सामग्री बांटी जाएगी। वैसे तो पूर्व में भी कई भामाशाहों ने हमें ये खाद्य सामग्री जरूरतमंदों को बांटने के लिए दी थी, और भी अभी ये इन्होंने दी है, तो ये हम जो हमारे कच्चे हैं जो उन कर्मचारी उनको दी जाएगी सारी सामग्री। और मैं सभी से ही, सभी भामाशाहों हैं उनसे यही निवेदन करूँगी कि आप इस कार्य में आगे से आगे आएँ और जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री तो और मेरे द्वारा ही दी जाएगी। आप मुझे ये आकर दे में खाद्य सामग्री, ताकि जितने जरूरतमंद लोग हैं जिनको भी जरूरत है इस भयंकर संक्रमण के दौर में, सब अभी मतलब किसी का काम नहीं लग रहा है, सब भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सामग्री वितरित करूंगी और सब कुछ जो जरूरतमंद है उनको दी जाएगी सामग्री। इस मौके पर भाजपा के समाजसेवी भामाशाह हरीश गिद्वानी, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित अन्य भामाशाह और जनसेवक मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रही है, सभी जरूरतमंदों की सहायता के लिए यहाँ पे 80 वार्ड नगर निगम में उनकी जरूरतों के लिए आज हमने मेयर साहब को कुछ सामान, सूखी सामान वितरण किए, जिसमें 1600 किलो करीब चावल है वो हमारे महेश गुप्ता भाई उन्होंने दिए हैं, और मसालों के पैकेट जीतू जी रघवानी जी ने दिए, 800 किलो दाल 1600 पैकेट हमारी संस्था ने दिए। इस हिसाब से भी सूखी वितरण किए, जो हर वार्ड के हिसाब से मेयर साहब अपने अपने हिसाब से अपने वार्ड वाइज पार्षदों को देगी और वितरण की जाएगी। एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत के मिशन आरोग्य के तहत फैलाई जा रही है जागरूकता। मिशन के तहत गांव में स्क्रीनिंग कर वैक्सीन लगवाने के प्रति किया जागरूक।
एबीवीपी अजमेर द्वारा मिशन आरोग्य के तहत गांव दौराई में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन लेवल जांच कर वैक्सीन के लिए जागरूक किया गया। चित्तौड़ प्रांत में वर्तमान में कोरोना काल में एबीवीपी द्वारा मिशन आरोग्य चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन लेवल जांच कर कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया जा रहा है। माकड़वाली गांव में कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों लोगों की स्क्रीनिंग की गई और वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि एबीवीपी द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचार नर सेवा नारायण सेवा से प्रेरणा लेते हुए चित्तौड़ प्रांत के मिशन आरोग्य कार्यक्रम के तहत गाँव में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करते हुए ऑक्सीजन लेवल में वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जा रहा है और यह कार्यक्रम अजमेर के आसपास के गाँवों में चलाया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज हमने चित्तौड़ प्रांत के मिशन आरोग्य के तहत दुराई ग्राम में जाकर ग्रामीणों की ऑक्सीजन लेवल, उनका टेम्परेचर नापा और जिन लोगों को आवश्यक दवाएं थी, विटामिन सी की भी दवाएं दी, और जिन लोगों को खांसी जुकाम सर्दी ऐसी कोई समस्या थी, उन लोगों को नजदीकी चिकित्सालय में परामर्श से, डॉक्टर के परामर्श से दवाई लेने का आग्रह किया। और जो गांव में अभी वैक्सीनेशन चल रहा है और गांव में वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाए गए मिशन आरोग्य के तहत परसों हम लोगों ने माकड़वाली और आज दौरे गांव में ग्रामीणों में 60 से 80 घरों के अंदर वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाई, लोगों की स्क्रीनिंग करी और उनको है ना वो दवाइयाँ लेने के लिए प्रेरित करा और पास के चिकित्सालय में जाने के लिए बताया। और हमने उनको ये बताया कि है ना मास्क लगा के ही बाहर निकले और अति आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकले। हमने करीब 100 से 150 ना लोगों तक संपर्क करा और आगे भी हम इसे सप्ताह भर तक अजमेर के आस पास के गाँव में चलाएंगे। वैभव चौधरी, नगर मंत्री, एबीवीपी। पुलिस मित्र टीम लगातार सामाजिक सरोकार के कर रहे हैं कार्य। टीम द्वारा पिछले 24 घंटे में 4 सांप पकड़कर किए रेस्क्यू। तीर्थ नगरी पुष्कर सहित आसपास के गांवों में सांपों के जीवन को बचाकर आमजन को जागरूक करते के लिए पुलिस मित्र टीम लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य कर रही है। टीम का विस्तार अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, तभी से आमजन सहित जानवरों का जीवन बचाने के मामलों में अधिक तेजी आई है। अब टीम द्वारा 24 घंटे प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों की पालना करवाने के साथ साथ मूक पशुओं का जीवन बचाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में टीम द्वारा पिछले 24 घंटे में 4 सांप पकड़े गए। इसमें बांसेली स्थित नर्सरी से कोबरा सांप, माधवनगर स्थित गोपाल करीट के घर से ग्लॉसी बैलिड रेसर सांप, कोठी स्थित कैलाश कछावा के घर से 2 ग्लॉसी ब्रेलिड रेसर सांपों को पकड़कर आम जन को भयमुक्त करते हुए रात पहुंचाई गई। वे सांपों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। सभी सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में जंगल में छोड़ दिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे, बारिश आई थी 3 दिन पहले, इसलिए सिलेंडर वगैरह लगे हुए थे बाहर, तो अचानक वहाँ देखा तो एक सांप कुंडली बनाए बैठा था। तो हमने स्नेक कैचर टीम को, पुलिस मित्र टीम को फ़ोन किया, तो पिंटू जी, बच्चानी और सांवरा जी आए और करीब 14-15 इंच लंबा सांप था, उसको पकड़ा और ले जा रहे हैं। 2 मिनट में आ गए, बहुत ही अच्छी सर्विस है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सर्विस से सबको खुशी है पुष्कर में, पहले ऐसी हमारे यहाँ सर्विस नहीं थी, लेकिन जब से पुलिस मित्र टीम बनाई गई है प्रशासन द्वारा, पुष्कर पुलिस द्वारा, उनकी कई तरह की सेवाएं हैं, जिसमें से एक ये
सांप वगैरह पकड़ने की सेवा भी है, तो बच्चे वगैरह डर गए एकदम से अचानक से देखते ही, लेकिन फिर मैंने फ़ोन किया तो 5 मिनट में आप आ गए और आकर के सांप को पकड़ लिया और अब ले जाए। जी हम यहाँ पे काम कर रहे थे नर्सरी में, जो हमारे यहाँ पे कोई काला सांप आ गया था जो हमको डर लगा था, और हमने पुलिस मित्र टीम को फ़ोन किया और उन्होंने आके पकड़ लिया, और हमारे को डर लग रहा है काले सांप से, जो इन्होंने पकड़ लिया और सुरक्षित पकड़ लिया। ये शायद महीने में दूसरी या तीसरी घटना है आपके यहाँ से, है ना? हाँ, महीने में ये दूसरा सांप निकल गया। बताएं, अभी 5-7 मिनट पहले हमारे बच्चों ने एक सर्प देखा, और जैसे सर्प देखा तो हमें मालूम है कि अमित जी भाई साहब की टीम पूरी जो है स्नेक रेस्क्यू का काम करती है और इनको जीवों को बचाती है, तो हमने भी उनको सुरक्षित देख करके और निगाह रखी। जैसे अमित जी की टीम आई तो एक ही जगह हमारे यहाँ 2 सांप हो गए, और दोनों को इनकी टीम और अमित जी ने एकदम उनको कैप्चर किया और सुरक्षित उनको अपने वजूद में ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें लगे हुए हैं, और हम आशा करते हैं इसी तरह से आप जनमानस की और इन जीवों की सेवा करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश चंद कछवा, ग्राम कोठी चावंडिया। साथ ही जान लेते हैं राजेंद्र जी वछानी जी, बताएं सर। सर अभी फ़ोन पे सूचना मिली थी चावंडिया बांसली के यहाँ कैलाश जी के कोई सांप गैलेक्सी बेरी देखा गया था, तो हम टीम सहित यहाँ आए, उसको रेस्क्यू किया और अब लेके जा रहे हैं सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए। कितने सांप हैं? 2 सांप हैं। वार्ड 51 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रही किरण मेघवंशी व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया सैनिटाइजेशन। किरण मेघवंशी लगातार जुटी है कोरोना काल में कॉलोनी वासियों की सेवार्थ और सहायतार्थ। वार्ड 51 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रही किरण मेघवंशी कोरोना काल में कॉलोनी वासियों की सेवार्थ व सहायतार्थ सामाजिक सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं। सोमवार शाम किरण मेघवंशी के नेतृत्व में वार्ड के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे वार्ड के गली मोहल्ले और घरों को हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। कार्यकर्ताओं ने वार्ड के नया घर गुलाबबाड़ी, जगदम्बा कॉलोनी, गहलोता की डूंगरी और आनंदपुरी सहित आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लोगों को कोविड नियमों की जानकारी देते हुए सदैव मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व गुलाबबाड़ी राजकीय नवीन स्कूल में किरण मेघवंशी द्वारा वार्ड के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया था। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता नीरज भाटी, विजय मेघवंशी, देवेंद्र, रमेश सहित अन्य का सहयोग रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नमस्कार, आज वार्ड 51 के अंदर सैनिटाइजर किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते हुए कई घरों के अंदर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए कई लोगों की डेथ हो चुकी है, संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें सैनिटाइजर की ज़रूरत थी। हमने हर गली, हर मोहल्ले को, हर जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ सैनिटाइजर किया है, और उसी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता की टीम, देवेंद्र जी को, रमेश जी को, नीरज जी को एवं समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी। इस कोरोना महामारी के अंदर मेरे सहयोगी बन करके मेरे कार्यकर्ता, इस जनप्रतिनिधि होने के नाते, मतलब जन सेवा के अंदर तहत मेरे साथ में सहयोगी बन करके कार्य कर रहे हैं। 2 जून से प्रभावी होगा मॉडिफाइड लॉकडाउन। 10% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजारों को खोलने की सशर्त मिलेगी अनुमति। कोरोना संक्रमण के घटने के साथ ही सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन का नाम देकर कुछ राहत देने का मन बनाया है। अब जिन जिलों में पॉजिटिव दर रेट 10% से कम होगी, वहां 2 जून से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानों और बाजारों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नियुक्त 9 इंसिडेंट कमांडर बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करने के बाद आज शाम तक तय करेंगे कि कौन से बाजार किस किस दिन खोले जा सकेंगे।
लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक दुकानों को खोलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सोमवार से शुक्रवार 5 दिन जिले में निजी वाहनों से आवाजाही भी की जा सकेगी। इसके साथ ही शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोविड नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया गया तो दुकानों और बाजारों को 7 दिन के लिए सीज किया जा सकता है। इसके अलावा समस्त कोविड नियम लॉकडाउन में जारी गाइडलाइन के मुताबिक यथावत रहेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मॉडिफाइड लॉकडाउन में नई गाइडलाइन है, वो कल 2 जून से प्रभावी होंगी। इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो कि संक्रमण की दर 10% से नीचे और हॉस्पिटल में बेड्स की ऑक्यूपेंसी है वो भी 60% से अधिक बेड वेकेंट हैं, तो इसलिए कल से कुछ रियायतें दी गई हैं। जो टाइमिंग रहेगा रियायतों का वो 6 से 11 ही रहेगा। गतिविधियां जो अनुमत रहेंगी उसमें बाजारों की कुछ गतिविधियां स्टार्ट करने का कल से नई गाइडलाइन में प्रावधान रखा गया। इसमें जो बाजारों के लिए खोलने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें हमारे सिटी में इंसिडेंट कमांडर है, 9 इंसिडेंट कमांडर ऐसे ग्रामीण एरिया में और अन्य म्यूनसिपल टाउन्स में, वो बाज़ारों में मीटिंग लेंगे और ये देखा जाएगा कि बाज़ारों में भीड़ भाड़ कम हो और जो कोविड गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की, वो पालना कैसे हो सके, तो उसके हिसाब से ही बाज़ार खुलने का आज शाम तक वो तय करेंगे कि किस तरह से खुलेगा और टाइमिंग 6 से 11 ही रहेंगे बाज़ार खुलने का। शहर में आवाजाही को लेकर किस तरह से व्यवस्था, जिले से बाहर जाने का? जिले से बाहर जाने का भी नहीं है, अंदर ही कोई मूवमेंट है वो 6 से 11 तक सुबह के टाइम पे हो सकता है। रामगंज थाना अंतर्गत सोमलपुर रोड मदरसे के सामने फैक्ट्री से 1,75,000 रुपए और 2 DVR चोरी। RK प्रोडक्ट फर्म के प्रोपराइटर जितेंद्र हेमानी ने रामगंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा। रामगंज थाना अंतर्गत सोमलपुर रोड मदरसे के सामने स्थित RK प्रोडक्ट फर्म नामक फैक्ट्री से अज्ञात चोर ताले तोड़कर 1,75,000 रुपए की नकदी सहित CCTV के 2 DVR चुरा कर ले गए। फैक्ट्री के संचालक जितेंद्र हेमानी ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सोमलपुर में परसों रात को फैक्ट्री भराई थी तो सुबह लड़कों ने तकरीबन 7:30 बजे फ़ोन किया कि ऑफिस के ताले टूटे हुए और कागज़ डेरिया वेरिया सब बिखरी हुई है। मौके पर जाके देखा तो 1,75,000 नकदी की चोरी हुई थी और 2 DVR सिस्टम दे वो भी उड़ा के ले गए। बाकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी है, उसके बाद आतंकवादी क्या क्या चीज़ पर शक है क्या सर? शक तो अब किस पे कर सकते, बाकी रिपोर्ट दर्ज करा दी, बाकी मामला आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। चोरी 1,75,000 क्या क्या सर? 1,75,000 नकदी की चोरी हुई थी और 2 DVR चोरी हुए थे। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि जितेंद्र हेमानी ने थाने पर हाजिर होकर अज्ञात चोरों के खिलाफ 2.25 लाख रुपए की नकदी व 2 DVR चोरी कर लिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर माल और मुलजिम की तलाश की जा रही है। जितेंद्र हेमनानी ने उपस्थित थाना होकर दिनांक 31/5/2021 को रिपोर्ट दी कि मेरी फैक्ट्री सोमलपुर रोड अजमेर में है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1,75,000 रुपये चुरा लिए हैं और मेरे DVR भी
साथ में लेके गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। माल और मुलजिम दोनों की तलाश जारी है। रामगंज थाना अंतर्गत चंद्रवदाई नगर में रहने वाले युवक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। चंद्रवदाई नगर निवासी मोहित मोदियानी के एटीएम से यूपीआई द्वारा 1,37,000 रुपए उड़ाए। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि चंद्रवदाई नगर में रहने वाले मोहित मोदियानी ने थाने पर हाजिर होकर अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें मोहित ने बताया कि उसका SBI बैंक में अकाउंट है, जिसमें UPI द्वारा ATM से 1,37,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई है, जिस पर IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस तरह से ऑनलाइन ठगी काम करती है? श्री मोहित मोदियानी निवासी चंद्रवदाई नगर अजमेर ने कल दिनांक 31/5/2021 को थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मेरा SBI बैंक चंद्रवदाई अजमेर में अकाउंट है, जहां पर UPI द्वारा और ATM से 1,37,000 रुपये अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिया गया है, जिस पर थाना जाकर प्रकरण दर्ज हुआ है, अनुसंधान जारी है। आम जनता को सर्व सुलभ हो कोरोना वैक्सीन, स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट कानून हटाने की मांग। स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सहित अन्य पिछड़े देशों में कोरोना वैक्सीन और इससे संबंधित दवाइयां प्रत्येक मानव को सर्व सुलभ उपलब्ध करवाने हेतु अभियान छेड़ रखा है। चित्तौड़ प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच विश्व भर में कोरोना वैक्सीन के पेटेंट कानून का विरोध कर रहा है, जिसे विश्व भर से भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। वर्तमान समय में COVID-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा देश भी गंभीर संकट में है। इससे मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय अतिशीघ्र टीकाकरण एवं दवाइयों की सहज उपलब्धता ही है, किंतु पेटेंट कानून के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। डॉक्टर संत कुमार ने बताया है कि विश्व व्यापार संगठन व सरकारों पर इस बात का दबाव बनाया जाए, जिसे पेटेंट कानूनों में छूट देकर सरकार अन्य कंपनियों को कोरोना वैक्सीन और महामारी से संबंधित अन्य दवाइयों के निर्माण की अनुमति प्रदान करे। वर्तमान समय में भारत में 2 कंपनियां ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, जबकि भारत में वर्तमान में 25 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनको यदि पेटेंट कानून से राहत मिले और तकनीक का स्थानांतरण हो, तो यह 25 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने में सक्षम हैं। डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि इस कार्य के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक मोबाइल लिंक भेजकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन कोरोना वैक्सीन से पेटेंट हटाने व भारत की अन्य सक्षम कंपनियों को कोरोना वैक्सीन निर्माण का अधिकार प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। जन जागरण अभियान के अंतर्गत देश भर में व देश के बाहर भी टीकों व दवाइयों की सर्व सुलभता के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन, अर्थात UVM के नाम से अभियान चल रहा है। इसमें ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान सहित वेबिनार, गोष्ठियों, प्रदर्शन, संपर्क प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज किस संदर्भ में? कोरोना वैक्सीन प्रत्येक मानव को सर्व सुलभता के साथ उपलब्ध हो, इसी अभियान को लेकर स्वदेशी जागरण मंच एक विश्व भर में जन जागरण अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक मानव को कोरोना की वैक्सीन उसके मानव अधिकारों के तहत मिले। विश्व की बहुत बड़ी फार्मा कंपनियां इस वैक्सीन का निर्माण कर इसे महंगे दामों पर सरकारों को बेच रही है और भारी मुनाफा कमा रही है। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता है।
स्वदेशी जागरण मंच ये मांग करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत कोरोना की वैक्सीन पेटेंट से मुक्त हो और सरकारें सक्षम कंपनियों को इसे बनाने का लाइसेंस प्रदान करें और तकनीक का स्थानांतरण हो, जिससे कि भारत के अंदर वर्तमान समय में 25 ऐसी कंपनियां हैं जो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर सकती है। ऐसे में यदि उन कंपनियों को इसके निर्माण की अनुमति मिलती है तो भारत की 200 करोड़ की आबादी को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। संत कुमार, प्रचार प्रमुख, चित्तौड़ प्रांत, स्वदेशी जागरण मंच, अजय मेरू। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com, सच के साथ।